हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पीड डिटेक्टर कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें ये कंपोनेंट्स हैं, ब्रेडबोर्ड हो गया, ब्रेडबोर्ड हमारा, आईआर सेंसर्स जिसको मैंने डबल साइड टेप लगा दिया है, ये हमारा डबल साइड टेप है। इसके बाद हमारा आर्डिनो ऊनो मी कंट्रोलर बोर्ड है, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम प्लेस कर देते हैं, ये दोनों हमारे आईआर मॉड्यूल प्लेस हो गए, ठीक है। अच्छा, इन दोनों आईआर सेंसर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कम या ज़्यादा करते हैं तो आपको प्रोग्राम में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे आईआर सेंसर के कनेक्शन कर लें। आईआर सेंसर में 3 पिन होती हैं, VCC, ग्राउंड और आउटपुट पिन। तो VCC ग्राउंड हम सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, और जो आउटपुट पिन है, एक पिन हमारी, एक आईआर सेंसर की पिन, वो 8 नंबर डिजिटल पिन से कनेक्ट हो जाएगी आर्डिनो ऊनो की, जैसे कि मैं 8 नंबर डिजिटल पिन से कनेक्ट कर रहा हूँ। और जो दूसरा आईआर सेंसर है उसकी आउटपुट पिन जो है वो 9 नंबर डिजिटल पिन से कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं पावर सप्लाई से ना डायरेक्ट करके मैं ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 आईआर सेंसर हैं और पावर सप्लाई सिर्फ एक है, ताकि हमारी कॉमन पावर सप्लाई बन जाए। उसके लिए मैं ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ, दूसरे के कनेक्शन भी ऐसे ही करने हैं। और ये मैं सेकेंड आईआर सेंसर की डिजिटल पिन को क्या कर रहा हूँ, आर्डिनो के डिजिटल पिन से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं +5 वोल्ट, और ग्राउंड जो आर्डिनो की पावर सप्लाई है उसको ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हमारे आईआर सेंसर्स को पावर मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारे कनेक्शंस पूरे हो गए हैं, और अब हम इसको USB से कनेक्ट कर देते हैं और लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे आर्डिनो अब ये पावर ऑन हो गया है। चेक कर लेते हैं अपने आईआर सेंसर, दोनों काम कर रहे हैं। आप इसकी सेंसिटिविटी को चेक कर सकते हैं। तो अब अपना आर्डिनो IDE ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम पहले से ही लिखा हुआ है, ताकि टाइम बच जाए। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं जो मैंने डिफ़ाइन कर रखे हैं, जिसमें डबल टाइप के भी हैं, फ्लोट और बुलियन टाइप के वेरिएबल्स भी हैं। तो ये मेरा पहला वेरिएबल जो है वो कैलिब्रेट है, जिसमें मैं मिली इस फंक्शन की वैल्यू को स्टोर कराऊंगा। ऐसे ही टाइम फॉर स्पीड, वेलोसिटी, एक्टिव, ये वेरिएबल्स मैं बताता हूँ क्यों यूज़ करें। इसके बाद देखते हैं serial.begin, जो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन है उसका जो रेट है वो कितना होगा। इसके बाद पिन मोड जो है वो 8 नंबर पिन इनपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं या आउटपुट की तरह। जो हमारा कैलिब्रेट है वो मिलीज फंक्शन से जो भी वैल्यू आती है वो इसको स्टोर कराएगा। तो मिलीज फंक्शन क्या है? मिलीज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे प्रोग्राम जब रन होता है तो उसकी वैल्यू को स्टोर करना शुरू कर देता है कि कितना टाइम एस्केप हो चुका है अभी, ठीक है। जैसे 1 सेकेंड हुआ तो उसमें 1000 मिलीसेकंड्स स्टोर हो जाएगी वैल्यू। तो ये हम चेक करके देख लेते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, ये कैसे करता है, बाय यूजिंग डिले ऑफ 1000 मिलीसेकंड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, 1 सेकंड के बाद यानी 1000 मिलीसेकंड्स के बाद प्रिंट कर रहा है वैल्यूज को। तो इस तरीके से मिली फंक्शन हमारा काम करता है। तो अब अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। तो इसके बाद हम स्टोर कराने के बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे 8 नंबर पिन कब हाई होती है। उसके बाद करेंगे हम चेक कि 9 नंबर पिन कब हाई होती है, ठीक है। 8 नंबर पिन होने के बाद 9 नंबर होने में कितना टाइम लगता है। इसके बाद हमारा मिलीज फंक्शन जो है उसमें से कैलिब्रेट की वैल्यू निकाल देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि जब पहला आईआर सेंसर डिटेक्ट करा जिसने ऑब्जेक्ट को, तो उसमें कितना टाइम लगा, ठीक है, एक से दूसरे आईआर सेंसर पर डिटेक्ट होने के लिए।
अब यहाँ पे 216 वैल्यू है वेलोसिटी में, तो ये देखते हैं कि कहाँ से आई है। जैसे हमारे ये 216 लिखा हुआ है, तो जो जैसा कि डिस्टेंस आपको पता है कि 6 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में लिख सकते हैं 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि जो भी हमारा टाइम है वो मिली सेकेंड्स में है। जैसे अगर 1000 मिली सेकेंड्स होगा तो वो 1000 वैल्यू प्रिंट कराएगा, लेकिन क्योंकि मिली सेकेंड्स में 10⁻³ होता है, तो अगर वो ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में, तो वो वहाँ पर 1000 आ जाएगा, यानी 10⁻³। तो इस तरीके से ये 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1000 आया, लेकिन ये वैल्यू जो होगी हमारी मीटर पर सेकेंड होगी। तो इसको चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर में मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि एक कन्वेंशनल वे है जैसे फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं, जिसको 3.6 भी यूज़ करते हैं कई बार हम। तो ये सारी जो कैलकुलेशन होगी टाइम को छोड़ के, जो बाकी की वैल्यूज़ कैलकुलेट होने के बाद आएंगी, वो आ जाएंगी 216। तो ऐसे ही अगर आप डिस्टेंस कम ज़्यादा कर रहे हैं अपने आई आर सेंसर्स के बीच का, तो आप ये वैल्यूज़, आपकी जो 216 वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये बाकी प्रोग्राम जो हमारा है, तो ये प्रिंट करा देगा, सीरियल डॉट प्रिंट जो है वो स्पीड को प्रिंट करा देगा, वेलोसिटी को हमारे, और बाद में हमारा किलोमीटर पर आवर स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यही चेक कर रहे हैं कि हमारा एक आईआर सेंसर से डिटेक्ट होने के बाद दूसरे आईआर सेंसर तक पहुँचने तक कितना टाइम लग रहा है, तो और उसमें हम मिलियस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम अपना प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं, तो ये अब अपलोड हो गया है, तो अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। जीरो पॉइंट नाइन फाइव किलोमीटर पर आवर, तो ये मेरी स्पीड आ गई है 0.95 किलोमीटर पर आवर, 0.33 किलोमीटर पर आवर, 3.54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी 18/5 से जो मैंने बताया था वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो आपकी ये वैल्यू ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, मैंने कम ज़्यादा करके देख रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी स्लो करी थी तो 1.09 आई है। अच्छा, ये जो है तो ये एकदम परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें, और वो लिमिटेशंस ये हैं कि हमारे जो आईआर सेंसर्स हैं वो परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कई बार वो रिफ्लेक्शंस जो हैं उसको भी डिटेक्ट करे, तो इस वैल्यू में, और जो अगर कोई एक्चुअल अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो लॉजिकली प्रोग्राम है या फिर लॉजिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियोज़ आपको मिलती रहें, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल का आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें नए वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू।